ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है, ये जो हमारी सीरीज होगी फोर वाली सीरीज स्टार्ट हो गई, ठीक है, फोर, 4.0 ये है, फिर 4.1 जितनी जाएगी उसके आगे, ठीक है। तो इससे पहले हम देखो कि हमने सोशल केस वर्क कर लिया है, ठीक है, सोशल ग्रुप वर्क कर लिया है, आज हम करेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो हमारा सोशल वर्क होता है उसमें जो उसकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, प्रोसेस जो बोलते हैं, जो तीन प्रोसेस होती है उसकी, ठीक है ना, वो कहलाती है प्राइमरी। तो सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलके कराती हैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क, या कोई अप्रोचेस भी लिख देते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के बाद आगे जो होंगी वो सेकेंडरी कहलाती हैं। तो हम आज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिटी होती क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी होती है जिसके अंदर क्या होती है, वी फीलिंग होती है, ठीक है। वी फीलिंग होना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी जो होती है उसके करैक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो कम्युनिटी होती है उसमें होते हैं सबसे पहले कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स, ठीक है, और कम्युनिटी की क्या होती है, इंटर डिपेंडेंस होती है। अभी लिख लो फिर बताता हूँ क्या होता है। फिर क्या होता है, कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी में वी फीलिंग होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कम्युनिटी जो होती है उसका एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है कम्युनिटी का, और कम्युनिटी का क्या होता है, उसमें रोल फीलिंग होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम पढ़ते, ये हो गया कम्युनिटी के फीचर्स। अब दो गए समझोगे कम्युनिटी क्या होती है, कि जो कम्युनिटी होती है उसमें एक कम्युनिटी के सेंटीमेंट होते हैं, जैसे मान लो कोई ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, ठीक है, तो उनके पर्टिकुलर सेंटीमेंट्स हैं, ठीक है। कम्युनिटी में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही मिलकर ही कम्युनिटी बनाएंगे। अगर किसी को एनवायरमेंट का थोड़ा बहुत याद है, ये लिखना नहीं है, बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल जो होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बना, इंडिविजुअल होता है, फिर बनती है स्पीसीज, ठीक है, और बहुत सारी स्पीसीज बनके क्या बनाती है, पॉपुलेशन, और बहुत सारी पॉपुलेशन बनके क्या बनाती है, कम्युनिटी, ठीक है। तो एक माइंड में आप आइडिया ले सकते हो कि कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, थीके? तो कम्युनिटी में सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोग आपस में ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है, थीके? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कम्युनिटी में होते हैं, ये हो गया एनवायरनमेंट का, लेकिन इससे हमने केवल आइडिया लिया, ठीक है। फिर वी फीलिंग होती है, हर कोई कम्युनिटी चाहती है कि उसकी कम्युनिटी का विकास हो, वो सबसे आगे निकले, ठीक है ना, तो उसमें अपनी बात होती है, अपने लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, थीके? ये अच्छा भी होता है, लेकिन एक हद के बाद ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, रीजनलाइजेशन पैदा हो जाता है ज़्यादा वी फीलिंग से, इसे सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं। फिर आया डिफाइंड, इसका डेफिनेट इसका जियोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे कोई ट्राइबल कम्युनिटी है तो मान लो उड़ीसा में मिल रही है, तो इसका एक एरिया होगी जंगल के इस एरिया में मिल रही है, ठीक है। कुछ कम्युनिटी होती है जो रिवर साइड में मिलती हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिटी जो होती हैं जो आपको मिलेंगी जो शहर है, ठीक है ना, शहर के आउटर रूलर अर्बन फ्रिंज के आसपास भी मिलेंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू उनका जो ऑक्यूपेशन होता है, तो उनका डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है। ऐसे वर्ल्ड में भी देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी स्पेसिफिक रीजन में पाई जाएंगी, ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है, कनाडा, इनमें एक अलग कम्युनिटी होगी, ठीक है, तो यूची ट्राइब्स होंगी, तो दुनिया भर के अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और रोल फीलिंग होती है, इसमें सबको पता होता है किसका क्या रोल है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एक जगह, तो हम बोल सकते हैं वो एक कम्युनिटी है, ठीक है। अब एक दो तीन चार पाँच छः पैरामीटर पड़े, छः फीचर पड़े हमने कम्युनिटी के, मान लो हमें पाँच याद आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जो पाँच आ रहे हैं। और बुरी हालत है, मान लो तीन ही याद आ रहे हैं कि वी फीलिंग होती है, ग्रुप ऑफ
इंडिविजुअल होता है, डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है, तो ऐसे इन तीन में लिख देना, ठीक है। तो अपने आप को अंदर इनोवेशन पावर लाओ कि किसी चीज़ को हम कैसे इनोवेटिव वे में वहाँ पे दिखा सकें, इसी के नंबर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जितने फीचर याद आए तो उतना एक एक कम होता जाएगा, उतना हिसाब से बनता जाएगा। तो ये वही कम्युनिटी की फीचर, कम्युनिटी जो होती है ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग वी फीलिंग, ठीक है, और ये सारे उसके फीचर हो गए। अब आगे बताता हूँ मैं इसमें कम्युनिटी की, समझेंगे कैसे कम्युनिटी होती क्या है। अब जो कम्युनिटी होती है उसके फीचर पढ़ लिए हमने, ठीक है, अब उसके करेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट देख लेते हैं हम। सेल्फ सफिशिएंसी, कोई भी कम्युनिटी होती है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, ठीक है। उनका अपना एक इकोनॉमिक पैटर्न होता है, सोशल पैटर्न होता है, कस्टम पैटर्न होता है, ठीक है। तो कल्चर वल्चर जो भी होता है उनके सेल्फ सफिशिएंसी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है उनका इम्पोर्टेंट, कॉमन लाइफ होगी, जो कम्युनिटी के लोग होंगे उनकी लाइफ जो होगी सबकी लगभग लगभग एक जैसी होगी, ठीक है। और कम्युनिटी में क्या होता है, कंक्रीटनेस होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें से हम बार बार लेंगे। कंक्रीटनेस का मतलब ये जो कम्युनिटी है वो एक तरीके से क्या है, मतलब एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में से जिनके सेम करेक्टर मिले, ठीक है, वो कंसंट्रेट हुए और उन्होंने कम्युनिटी बनाई, तो उसमें कंक्रीटनेस होता है, ठीक है। और जो कम्युनिटी नहीं होती इसका उल्टा होता है, उसमें क्या था, कंक्रीटनेस नहीं मिलेगा। हिंदी में इसको मूर्त और अमूर्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट का मतलब मूर्त हो गया। अब स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होती है, कम्युनिटी में स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होती है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिटी में होता है कंपलसरी मेंबरशिप। कंपलसरी मेंबरशिप का मतलब है कि आपके कहने ना कहने से कि मैं इस कम्युनिटी का मेंबर नहीं हूँ, नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। ये आदमी अगर इस खानदान में पैदा हुआ है तो ये खानदान जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो उस कम्युनिटी में ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें इसकी मर्जी नहीं है, तो कंपलसरी होती है मेंबरशिप, ठीक है। और क्या होता है, कॉमन रूल होते हैं सारी कम्युनिटी के, लगभग लगभग कॉमन रूल होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होता है, उसे हमें डिस्कस नहीं करना है। और क्या होता है, एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। और एक और होता है परमानेंसी, ठीक है। मोर और लेस जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो होती है वो परमानेंट करेक्टर होता है, मतलब ज़्यादा जल्दी उनमें चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब क्या होता है कि बहुत जो क्या होता है कम्युनिटी, ठीक है ना, यह है कम्युनिटी, यह है सोसाइटी, ठीक है, एक है कमिटी, ठीक है, और एक हो गया इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन सब में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए, तभी पेपर टू में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे और वो करवाएगा पेपर में, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कम्युनिटी सोसाइटी और कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन में, कमेटी और इंस्टीट्यूशन में क्या क्या फर्क है, ठीक है, उसको समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी वर्सेस सोसाइटी। अगर ऊपर से देखें तो लगभग लगभग एक चीज लग रही है, लेकिन बहुत डिफरेंस है, अभी आपकी आंखें खुलेंगे। देखो कम्युनिटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। सोसाइटी जो होता है वो होता है वेब ऑफ सोशल रिलेशन, सामाजिक रिलेशन का जाल होता है, ठीक है ना। कितना अंतर हो गया सोसाइटी में और ग्रुप में। दूसरा अंतर जो होता है, जो मैंने बताया था, कंक्रीट होती है ये, मूर्त होती है, और अमूर्त अंग्रेजी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, बिखरी भी हो सकती है सोसाइटी। और कम्युनिटी का डेफिनेट एरिया होता है, जो हमने पढ़ा था, उसका एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है, वहीं पे पाई जाएगी वो। इसमें क्या होगा, इसका इनडेफिनेट एरिया होता है, ठीक है, कोई एरिया नहीं सोसाइटी का, सोसाइटी का कोई हम उसे निश्चित जियोग्राफिकल एरिया एक भौगोलिक क्षेत्र में नहीं कह सकते, ठीक है। सोसाइटी को आजकल सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है, क्या सोसाइटी किसी को पता थोड़ी है, कम्युनिटी चेंज हो रही है तो पतला बदल गया, हम उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उस समय, ठीक है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट वी फीलिंग होती है, ठीक है। और सोसाइटी में वी फीलिंग से मतलब ही नहीं है, वी फीलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो नॉट नेसेसरी, सोसाइटी को भी मतलब नहीं होता।
और कोई भी कम्युनिटी होगी वो उसका एक डिस्टिंक्ट नेम होगा, ठीक है, उस नाम से उसको पुकारते हैं। सोसाइटी में ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, तो नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये तीन चार जो कॉमन अंतर हो गए आपको समझने पड़ेंगे कि जब आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो आप सोसाइटी के बारे में तो नहीं लिख रहे, कम्युनिटी के ही बारे में लिखना है, जिससे उसको बिल्कुल भी एहसास ना हो कि आप सोशल वर्क की जगह सोशोलॉजी झाड़ने लग गए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, कम्युनिटी तो सेम रहेगा, यहाँ सोसाइटी की जगह लिख देता हूँ मैं कमेटी, ठीक है। तो कम्युनिटी और कमेटी में क्या अंतर है? कम्युनिटी में जो होती है, देखो मेंबरशिप क्या होती है, बोलो जोर से, कंपलसरी, ठीक है ना, कंपलसरी मेंबरशिप होती है, ठीक है। कमेटी में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं था, वॉलंटरी होती है, काफ़ी कमेटी बनती हैं, आपकी मर्जी है, आप उसमें मेंबर बनना चाहते हो नहीं चाहते हो। और जो बड़ी बड़ी कमेटी होती हैं वो आपसे पूछती भी नहीं है, अभी आप उतने प्रोफेशनल होने की आपसे पूछेगी कमेटी कौन सी बननी है, ठीक है, कमेटी कौन सी बननी है। और कमेटी में दूसरा अंतर क्या होता है, ये जो होती है सेल्फ इवॉल्विंग होती है, ठीक है, अपना भी इवॉल्व हो जाती है, और इसका जो एम होता है वो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। और जो कमेटी होती है वो एक इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनी होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कोई कम्युनिटी बन गई कि कम्युनिटी ऑन द फार्मर, ठीक है, कम्युनिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, कम्युनिटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो इनका सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कम्युनिटी का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो जनरल ऑब्जेक्टिव रहता है कि सबका भला हो और वी फीलिंग हो, ठीक है। और वही सेम पता है, डेफिनेट एरिया होता है इसका, निश्चित क्षेत्र होता है इसका, इसमें ऐसा निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। और बाकी अंतर मोटे मोटे पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने से समझ जाओ कम्युनिटी वर्सेस कमेटी। अब जो हमारा लास्ट अंतर रह गया, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, पेपर 2 में दिक्कत नहीं होगी आंसर लिखने में। इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कम्युनिटी वर्सेस इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी वर्सेस इंस्टीट्यूशन में क्या है, देखो कम्युनिटी में हमने पढ़ा था कि जो मेंबरशिप होती है वो एक सर्टेन रूल से होती है, ठीक है। तो इस मेंबरशिप जो होती है उसमें कुछ रूल होते हैं, हर कम्युनिटी के मैंने ना कॉमन रूल्स होते हैं, तो उस पर चलती है इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है ना। ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती कि कोई रूल के अंदर चलना है, ठीक है ना, नो फीलिंग। और सेम लिखना है कंक्रीट, और इधर क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट, उसका उल्टा, कंक्रीट का एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और वही डिफाइंड एरिया होता है, ठीक है, इसका डेफिनेट एरिया होता है, इसका डेफिनेट एरिया नहीं होता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी होता है। तो जैसे कम्युनिटी जो है, अगर मैं वेन डायग्राम में दिखाऊं तो कम्युनिटी के अंदर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो यह है कम्युनिटी, यह है इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन कैन बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी जो है इंस्टीट्यूशन से भी एक बड़ा बड़ा रूप है। अब हम आएंगे अपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सोशल वर्क में पढ़ रहा है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इसकी रूट है, ठीक है ना, वो कहाँ से आई थी, अमेरिकन अमेरिकन स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। तो 1 2 3 करो, अमेरिकन स्कूल ऑफ सोशल वर्क से इसकी रूट ली गई है, ठीक है। जो अमेरिका में ना, अमेरिका सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। और वो इसको सबसे, जो मैंने बताया ना कि अभी प्राइमरी जो होते हैं और सेकेंडरी प्रोसेस जो होती है या मेथड होते हैं सोशल वर्क के, उसमें तीन आते हैं, तो उन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको माना जाता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका में, ठीक है। तो हमने वैसा ही कुछ लिया, अमेरिका से कट पेस्ट किया मामला सारा। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो तीन मेथड हैं, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, तीन मेथड लिख देता हूँ सोशल वर्क के, है तो 6, लेकिन शुरू के तीन जो हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों प्राइमरी कहलाते हैं, प्राइमरी मेथड, ठीक है ना।
और इनमें से भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम अंदर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जितना भी डेवलपमेंट है सोसाइटी कम्युनिटी का, ठीक है, और इवन कंट्री का, ठीक है, अगर उसका हम वेस देखें, मतलब ग्रास रूट लेवल देखें, तो वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे ही आके फंसता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम अच्छी तरह करें, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन देखो इनमें हमने काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखी, थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ें देखी थी। इसमें ज़्यादातर काम क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे होता है, ठीक है। जब ग्राउंड लेवल पे होता है तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी के जो पिलर हैं, ठीक है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी है, तो जो इसके पिलर हैं, ठीक है, वो हमारे पिलर मजबूत करने हैं, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में अगर हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, ठीक है, और डेवलपमेंट होगा हमारे देश में, ठीक है ना। तो एक तरीके से वही गांधी जी का सपना कि पंचायत राज इंस्टीट्यूट को स्ट्रांग करोगे तो देश जल्दी आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ लिखना नहीं है पंचायत राज इंस्टीट्यूट, अब हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल जो डेफिनेशन वो पढ़ेंगे। उससे पहले ये देखो, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब भी आए तो इनका नाम जरूर याद रखना, इनका नाम है मुरे रॉस। इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे इतना ज़्यादा काम किया है कि इनकी एक बुक थी, ठीक है, इन्होंने एक बुक दी थी, उसका नाम था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, उस बुक का नाम भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था। जो ये बुक है इस एक तरीके से बाइबल हो गई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को समझने की। इस बुक में इन्होंने सारे प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव दिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, मेथड दिए हैं, ठीक है, और थेरेपी दी है, सब कुछ दिया उन्होंने। तो इससे हम इनको बोल सकते हैं भीष्म पितामह, बोल सकते हैं हम इसको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, मुरे रोस को। तो मुरे रोस का नाम लिखेंगे, इन्हीं की डेफिनेशन लिखेंगे, इन्हीं के प्रिंसिपल लिखेंगे, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, ठीक है, सबको पता होता है, एग्जामिनर को भी पता रहता है कि मुरे रोस का नाम लिया तो बच्चे ने पढ़ा है डीपली, ठीक है। तो जो इनके ऑब्जेक्टिव थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना, मेन जो होता है, अब देखो क्या होता है, ये एक कम्युनिटी है मान लिया, और इस कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, ठीक है ना, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे देना, कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, या ये कह लो कि ये कम्युनिटी एज ए ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर कोई काम करती है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगी तो क्या करेगी, वो अपना पोटेंशियल जल्दी ले लेगी, ठीक है ना। तो वही जो थेरेपी हम केस वर्क में कर रहे थे, ग्रुप वर्क में कर रहे थे, अब उसको एक बड़े रूप में करेंगे, किसमें, कि कम्युनिटी लेवल पे उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ठीक है, वही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट का नाम था LANE लेन कमेटी, ठीक है, इसको चलो मैं अलग करता हूँ अभी, एक सेकंड रुको। तो हम पढ़ रहे थे लेन कमेटी रिपोर्ट 1939, ठीक है ना, जिस ये रिपोर्ट आई थी लेन की, ठीक है ना, ये आदमी का नाम है, ठीक है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, 1939 के बाद हम मानते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली रिकॉग्नाइज किया गया एज ए क्या, एज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। तो लेन ने जो करा था, क्या करा उन्होंने, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार रिकॉग्नाइज करा कि एक वो मेथड है सोशल वर्क का। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है वो यह है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है सोशल वर्क प्रैक्टिस का जो हेल्प करता है कम्युनिटी को डिटरमाइनिंग टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है, डिजायरेबल प्रोग्राम, ठीक है, बाई चेंजिंग, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर नीड, अपनी जो उनकी जो वेलफेयर नीड है उनको धीरे धीरे चेंज होते हुए, ठीक है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल इनके सहायता से उन रिसोर्सों को प्राप्त कर लेना जिससे वो अपने पोटेंशियल को बढ़ा दे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी है डेफिनेशन, इसमें तो लिख नहीं पाऊंगा, तो अगर आपको लिखनी है तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप सुनते रहो और इसको नोट कर लो। तो कम और जो ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी सीडर ने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज ए मेथड
ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस विच हेल्प ए कम्युनिटी डिटरमाइंड टू अचीव कंटिन्यूस मोर डिजायरेबल प्रोग्राम गोल्स विथ मीट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सोशल वेलफेयर नीड वाई फैसिलिटिंग द इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टेंट पार्ट इन सच ए वे टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज विद द सेम टाइम स्ट्रेंथिंग इट्स पोटेंशियल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ न्यू एंड मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो अगर देखो इतनी बड़ी को भूल भी जाओ तो कुछ कीवर्ड याद रखना, इनका नाम मिटा देना और सीधे डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, कीवर्ड जो थे उनके। जब इसको अब लिखोगे जब सुन के पॉज कर करके, ठीक है, तो जो जो कीवर्ड याद हो वो लिख देना, लेकिन ये एक ऐसी डेफिनेशन जो अपने आप में पूरी है, ठीक है ना, इसके बाद आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें ना गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट पैसा दे, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप जो है बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा अंतर। अब थोड़ा इमेजिन करो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है ना, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में वुमेन डेवलपमेंट हो रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, तो स्टेट लगाता है, सेंटर लगाता है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, तो कुछ भी हो पैसा आ रहा है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसा आ भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही उसे स्पॉन्सरशिप करे, ठीक है ना। और जो है इस एक की बेसिक यही अंतर याद रख के चलो, वैसे वो पूछेंगे नहीं लेकिन ये आपको काम में आएगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और वो आपको फंसा सकते हैं कि कम्युनिटी प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, या कम्युनिटी वर्क क्या होता है। अब इसे भी देख लेते हैं, कम्युनिटी वर्क जो होता है वो होता है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से आ रखे हैं, ठीक है ना, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे अलग अलग उनकी स्किल है, ठीक है, तो वो मिलके कोई वर्क करें वो कम्युनिटी वर्क हो गया, ठीक है। कम्युनिटी प्लानिंग क्या होती है, कम्युनिटी प्लानिंग का मतलब होता है ये कम्युनिटी है, इसके पास कोई ना कोई रिसोर्सेज इन द सेंस कि वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, जहाँ से उनकी इकोनॉमी चलती है, ठीक है ना, उस रिसोर्सेज को और मजबूत कर दो, ठीक है, और जो रिसोर्सेज ऐसे हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे, लेकिन अगर यहाँ पे हमने क्या कर दी, कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, ठीक है ना, तो उसको हम फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी जो प्लानिंग विद इन कम्युनिटी होती है उनको बोलते हैं कम्युनिटी प्लानिंग, ठीक है। इसका खाली याद रखो, ये पूछना है नहीं उनको, लेकिन आपको इनकेस इंटरव्यू में पहुँचते हो तो वहाँ पूछ देते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो फिर कम्युनिटी प्लानिंग क्या हुई, फिर पूछ देना अच्छा कम्युनिटी प्लानिंग क्या होती है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या हुआ, फिर कम्युनिटी वर्क क्या हुआ, ठीक है। तो अभी एक एक लाइन में वो आंसर चाहते हैं, यही एक एक लाइन बतानी है, बाकी जो इनके अंतर ज़्यादा है नहीं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब हम पढ़ते हैं कि अजम्पशन क्या होते हैं, ठीक है, अजम्पशन मतलब मान्यताएं क्या क्या है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की। अजम्पशन ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, तो क्या क्या बेसिक अजम्पशन है, अजम्पशन का मतलब मान्यता है, ठीक है। तो सबसे पहले अजम्पशन होता है कि कम्युनिटी हैव स्ट्रेंथ टू डील विद देयर ओन नीड्स एंड प्रॉब्लम, तो कम्युनिटी हैज स्ट्रेंथ टू डील विथ देयर ओन प्रॉब्लम, तो ये हम मान के चलते हैं कि कम्युनिटी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही डील कर सके, तभी फिर हम अपनी अपनी अप्रोच करते हैं, तो मान्यता में पहले माननी पड़ेंगी ना। दूसरे जो अजम्पशन ये मानते हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट सोशल कल्चर बैकग्राउंड, ठीक है, तो इसको लिखने से अच्छा बना देता हूँ, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, और ये बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इसका सोशियो कल्चर बैकग्राउंड अलग है, इसका सोशियो कल्चर बैकग्राउंड अलग है, इसका भी सोशियो कल्चर बैकग्राउंड अलग है, ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल कल्चर के बिलोंग जो होते हैं इनकी क्या होगी, इंटरेस्ट अलग होगी, ये चाहेगा कि गांव में ये आ जाए, हमारी कम्युनिटी में ये आ जाए, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कि चलो कुछ ऐसा चीज़ आ जाए कि चारे की व्यवस्था हो जाए, कोई सोच रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हो जाए, तो सबके अपने अपने सोशियो
कल्चरल इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं इंटरेस्ट जो होते हैं उनके, ये जब टुगेदर मतलब ये सब एक साथ जब आएंगे तो इनके अंदर क्या हो जाएगी, वी फीलिंग आएगी, ठीक है। और वी जब इनके अंदर वी फीलिंग आएगी, देखो एक के पास कुछ है एक के पास कुछ है, तो अगर इनको अपना काम चलाना है तो इसको इस पे डिपेंड होना पड़ेगा, जो इसके पास चीज नहीं है वो इस पे डिपेंड होगा, तो क्या आएगा, इंटर डिपेंडेंसी आएगी। और जब मैंने वो बताया था उसमें एक इंटर डिपेंडेंसी भी लिखा था, ठीक है, तो वी फीलिंग आएगी, इंटर डिपेंडेंसी ऐसी इसलिए आएगी कि जितने ज़्यादा सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी होगी किसी कम्युनिटी में, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा उनके अंदर वी फीलिंग आएगी, और उतना ज़्यादा जल्दी वो अपनी कम्युनिटी को क्या करेंगे, प्रमोट करने के लिए सहायता करेंगे। तो ये बेसिक अजम्पशन हो गया, ठीक है। तीसरा बेसिक अजम्पशन क्या है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, कि कम्युनिटी नीड एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ चेंज। मतलब जितनी भी कम्युनिटी है, ठीक है ना, उनको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जो बताती है कि उनकी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। अब जैसे बड़े बड़े एनजीओ देखो, ये किसी ना किसी कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, आगा खां है, ठीक है ना, ये किसी ना किसी कम्युनिटी से जुड़ा रहता है। तो मतलब वो क्या है, आगा खां, आगा खां जो है एज ए एक्सपर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोग भी हैं, ठीक है, नमदा बचा आंदोलन में लोग हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अलग अलग वे में काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली प्रफुल्ला उड़ीसा में काम करा उन्होंने, ठीक है। तो ये सबको आप लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, कि उनको एक्सपर्ट की गाइडेंस होती है। चौथा क्या होता है अजम्पशन, कि डिसीजन बाई कम्युनिटीज देमसेल्फ कैन ब्रिंग चेंज। तो जो कम्युनिटी के जो डिसीजन होते हैं ना, वो खुद ही उनके अंदर चेंज ला सकते हैं। अगला क्या है, मानते हैं कि मेथड ऑफ कंसेंसस फॉर मैक्सिमम कोऑपरेशन। तो ये क्या है, मेथड ऑफ कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति से जो फैसला होगा, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कोऑपरेशन होगा। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो सोशल वर्क में डेमोक्रेटिक फैब्रिक होता है वो पूरा हो रहा है एक तरीके से। तो ये तीन चार अजम्पशन हो गए, दो चार अजम्पशन और हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं, कि पीपल पार्टिसिपेशन जो होता है वो फॉर्मुलेशन में होता है, इम्प्लीमेंटेशन में तो लिख देना कि एक अजम्पशन होना कि पीपल का पार्टिसिपेशन होना है, मतलब कोई भी चर्चा हो रही है तो पीपल पार्टिसिपेशन होगा ना, तो उतना ज़्यादा होगा। तो इन अजम्पशन के ऊपर हम अपने सारे मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए अजम्पशन। अब हम पढ़ेंगे क्या हाइपोथेसिस क्या है। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है जब अच्छे दिन नहीं चल रहे होते हैं तो, कि हाइपोथेसिस क्या होती है, अब वो बताता हूँ। हाइपोथेसिस क्या है, देखो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पहली हाइपोथेसिस क्या है, कि हायर द एजुकेशनल स्टेटस, ठीक है, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर लोगों का जितना ज्यादा हायर एजुकेशन स्टेटस है, जो बड़ी बड़े क्लासे में पढ़े हैं, ठीक है, पीजी कर रखे हैं, पीएचडी कर रखे हैं, ऐसे लोग जो जिन मिलेंगे, तो हायर द कॉन्शियसनेस, ठीक है, उन लोगों को ज़्यादा कॉन्शियस होंगे अपने राइट्स के बारे में। तो एकदम बिल्कुल सही बात है। तो पहली हाइपोथेसिस कितनी अच्छी है इनकी। दूसरा हम ये मानते हैं, स्मॉलर द ग्रुप, ठीक है, ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ, देखो जैसे एक फेमस कोट है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो उसी पे है ये, स्मॉलर द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप जो है नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है, स्मॉलर द नंबर ऑफ ग्रुप हायर द चांस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर। जितने छोटे छोटे जो ग्रुप है, जितने कम होंगे उनको एक साथ लाने में बहुत कम दिक्कत होगी। देखो ज़्यादा ग्रुप होंगे तो मान लो कोई कोई एक राय ले रहे हैं, तीन जने मान गए, ये तीन नहीं माने, ठीक है, तो जितने कम होते हैं उनको एक तरीके से बोलें कि हम अपने अपनी एडवाइस के अकॉर्डिंग उनको चलाना आसान होता है, ठीक है। तीसरी हाइपोथेसिस क्या होती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप की, ठीक है, और पूरा सोशल वर्क जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे ही चलता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहती है कि जितना पीपल का पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उतने ज़्यादा डेमोक्रेटिक लीडरशिप आएगी और उतना अच्छा हम काम कर सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। चौथी क्या है हाइपोथेसिस, ये कहती है कि ग्रेटर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सोशो कल्चर ग्रुप ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो पिछली वाली बात कह दी कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल सोशियो, ठीक है, कल्चरल ग्रुप के लोग हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, जो मैंने अभी बना के दिखाया था उससे क्या होगा, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी,
इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, तो यही हमारा मेन फैब्रिक है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, तो कम्युनिटी के सक्सेस होने के चांसेस होंगे बढ़ जाएंगे। और क्या है, और हम हाइपोथेसिस लेते हैं कि ग्रेटर द कंसर्न ऑफ प्लान विद सर्टेन रेस्पेक्ट मेंबर ग्रेटर द एक्सेप्टेंस, मतलब लोगों के अंदर जितना ज़्यादा कंसर्न होगा, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, ठीक है, तो प्रोग्राम उतनी जल्दी उसकी एक्सेप्टेंस होगी लोगों के अंदर, ठीक है। एक्सेप्टेंस का मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे लोगों को पता है कि हमारी कम्युनिटी में पानी की समस्या है, ठीक है ना, तो अगर सबको पता है और सब कंसर्न है कि हाँ यार ये दूर होनी चाहिए, तो वो प्रोग्राम सबसे पहले पास कराएंगे, तो उस प्रोग्राम की एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटर द इंसिडेंस ऑफ वेस्टेज इन इंटरेस्ट अमंग कम्युनिटी लीडर, लेसर द डिग्री ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा समझो इसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रेटर जितना ज़्यादा, ठीक है ना, इंसिडेंस ऑफ वेस्टेज इंटरेस्ट अमंग कम्युनिटी लीडर, ठीक है। जैसे मान लो ये कम्युनिटी है, अब इसमें से ये कम्युनिटी के अंदर हमने पांच नेता इकट्ठे हुए, ठीक है, कि इनकी सब पूरा कम्युनिटी वाला सुनता है। अब इन पांचों में इन सब की अपनी अपनी इंटरेस्ट है, वो भी हिडन इंटरेस्ट है, कोई दिखाता नहीं है, ठीक है। उनकी इंटरेस्ट में, ठीक है ना, जितना ही ज़्यादा मतलब ना यूनैनिमिटी नहीं होगी, मतलब अलग अलग होंगे वो, ठीक है, तो उतना ही पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि लोग कहेंगे यार ये अपनी चला रहा है, ये अपनी चला रहा है, तो लोग फिर उनकी मीटिंग में कहाँ आएंगे। तो ये पांच और एक छह हाइपोथेसिस लिखनी है, जितना एजुकेशन स्टेटस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्टेंस है कि स्मॉल होगा उतनी अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, सोशल कल्चर बैकग्राउंड के जितने ज़्यादा लोग होंगे वेलकम करो उनको, अच्छी बात है, और कंसर्न जितना होगा उतनी एक्सेप्टेंस होगी, और जो लीडर जो होंगे उनका जो है उनका यूनैनिमस होना किसी डिसीजन में, सबका ज़्यादा जो होगा पीपल का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ, इसके बाद हम उसके बाद बढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और सोशल जो हम जो है सोशल वर्कर है, ठीक है, वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करेगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा ज़्यादा लोग फायदा उठाएं। बाय।